हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ फिश करी। यहाँ मैंने नमक हल्दी से फिश को फ्राई करके रखा है, पिलाती धनिया, बादाम को थोड़ा सा भून रखा है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चिली पेस्ट, एक बड़े प्याज को पेस्ट बना के रखा है, दो तीन हरी मिर्च, काला जीरा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, यहाँ मैंने बादाम को पेस्ट बना लिया है। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, काला जीरा। अब जाएगा इसके अंदर हरी मिर्च, इसीलिए मैंने हल्दी डाल के रखा था, ये बाहर ना आ जाए। अब जाएगा प्याज का पेस्ट, अब इसको दो तीन मिनट तक इसको भूनेंगे। देखिए, अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, मिक्स कर लेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चिली पेस्ट मिक्स कर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है ये। रोस्टेड बादाम का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर मिक्स करेंगे। अभी हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर चीनी डाला है, हाफ कप यहाँ पर मैंने पानी डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे 3 मिनट तक, जब तक इसका तेल बाहर नहीं आ जाता है। देखिए हो गया है। अब इसमें एक पिलाती धनिया डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और सुगंध आता है पहले डालने से। अच्छी तरीके से इसको 2 मिनट तक पकाइए। देखिए हमारा तो मसाला मतलब एकदम पक के रेडी हो चुका है। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब जाएगा फ्राइड फिश, आप चाहे तो कोई भी फिश यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब इसको 4 मिनट तक पकाइए, फिश के अंदर मसाला एकदम घुस गया है देखिए। अब इसके ऊपर डालेंगे बिलाती धनिया, ये तो रेडी है। अब हमारा गैस ऑफ कर देंगे। देखिए मैंने सर्व कर लिया है, आप भी जल्दी से बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।